मार्क द कमेंट वन। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया ना एंड वी आर ऑनलाइन ना, ऑनलाइन नहीं आज चलना है। ओके 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 चलिए। सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो सम टेक्निकल ग्लिच, so today we are not been able to proceed online, so the recording will be provided to you all, sorry for the inconvenience, rukawat ke liye khed hai. Chaliye, so as we are discussing, can we switch on the AC? So in the last class we have finished India Bangladesh, we have finished India Bhutan, right? Relationship between the two nations. Now as we, if you are going through the newspaper, you all will be aware that there are recent development happening at the field of stage of international relations, like India and France, there is a agreement and relations has been developed between India and France, which is a very old good friend of India. Yes, initially before that India has went to one of the West Asia nations also, and before that it has went to the USA. वहां से भी चले देखे तो current में development हो रही है. So as I have said that whatever will be the development in the current scenario related to the class, during the class that will be accommodated. लेकिन आप अगर इंडिया बांग्लादेश में अगर कोई relations develop होती है in next till our class, then you have to accommodate. वो हम discuss, अगर होगी तो हम एक बार discuss कर लेंगे that you can add this and that. Yes or no? Right? But next जितने भी अभी हमने जो नहीं किया है that will be accommodated. ठीक है? So now without delaying we will move to our next पड़ोसी, that is Nepal. SCF किस संदर्भ में? SCF कहाँ पढ़ा आपने? अच्छा वो क्रेडिट फैसिलिटी ना, तो वो क्या असिस्टेंस है? वो एक काइंड ऑफ दैट इज अ शॉर्ट टर्म लोन है, लोन है वो, दैट इज नॉट ग्रांट, राइट? क्रेडिट फैसिलिटी, स्टैंड बाई क्रेडिट फैसिलिटी, दैट इज अ लोन, शॉर्ट टर्म लोन देते हैं ना, लो इंटरेस्ट रेट पर है. जब भी आप किसी को लोन प्रोवाइड करते हो आप एक इंटरेस्ट लेते हो, तो ये लो इंटरेस्ट रेट पर है और वो दिया शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म मतलब थोड़े समय के लिए, राइट? एंड दिस इज गिवन टू भूटान टू क्लियर इट्स बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट. हमने देखा था व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन. ठीक है, एनी मोर, एनी डाउट, एनीवन? कोई डाउट नहीं है, राइट? तो शैल वी स्टार्ट? राइट, चलिए. सो वी विल स्टार्ट विथ आवर So this is a map of Nepal, right? And it is a political map. If you see, then Nepal has been bounded by the India from the northwest till northeast. Southern is also been bounded by the Nepal, right? UP and Bihar. है ना, और फिर आपका नॉर्दर्न पार्ट जो है वो दैट इज बीन बाउंडेड बाय द चाइना, राइट? तो नेपाल इज बीन बाउंडेड, और हम कह सकते हैं कि बाउंड्री जो है वो इंडिया और चाइना के साथ शेयर कर रही है. तो दिस विल बी आल्सो स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट, यस और नो? राइट, नाउ अगर हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें नेपाल की, तो नेपाल शेयर ए कल्चरल टाइज एंड ए कल्चरल वैल्यूज विथ इंडिया, है कि नहीं? रिलीजियसली भी हम कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ द रामायणा बुद्धिज्म, राइट? बिकॉज द सिद्धार्था, द नेम ऑफ अ गौतम बुद्धा, बिफोर ही बिकम अ गौतम बुद्धा, सिद्धार्था, एंड ही बिलोंग्स टू द साक्यान क्लाइंट्स,
उनका क्लेन कौन सा था? साक्यान क्लेन था, विच इज रिलेटेड टू नेपाल बिकॉज ही वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी. वो भी एक बोन ऑफ कंटेंशन है इंडिया और नेपाल के बीच में. इंडिया क्या कहती है कि गौतम बुद्धा इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर बट ही वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी. आप एंशियंट में जब बुद्धिज्म पढ़ेंगे पीरियड तो उनके आप बर्थ पढ़ेंगे, क्लैन पढ़ेंगे, राइट. एंड हिज नेम वॉज सिद्धार्था. जब वो गौतम बुद्ध बनने से पहले उनका नाम सिद्धार्था था, तो लुम्बिनी में पैदा हुए. तो कल देर इज अ कल्चरल एंड रिलीजियस टाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. रामायणा सर्किट की वजह से भी, एंड ड्यू टू द रामायणा बिकॉज इट इज एंड अंडरस्टूड दैट द सीता वॉज फ्रॉम द मिथिला दैट कम्स अंडर द जनकपुर नेपाल. यस और नो? सो इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू रिलीजियस राइट एंड कल्चरल टाइज. देर आर कल्चरल टाइज बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल. So if we see that this area of this Nepal is, we can say that it has been a cultural ties related on Buddhism. Ramayana, Ramayan ki wajah se bhi ek cultural ties aa jata hai. Buddhism ke wajah Lumbini mein paida hote hain, to fir uske baad wo Bodh Gaya chale aate hain to all travel. So he was related to that also, right? Historical, we have seen the historical perspective, right? Then in 1920s, the Nepal, the elite group of the Nepal, they went to India. They came to India in 1920s, and they joined Indian National Congress. They took part in the movement of Indian National Congress. वो यहाँ पर Indian National Congress के struggle में participate करते हैं, and on the line of that. On the line of Indian National Congress, they have created a Nepal Congress. So, on the line of Indian National Congress, they have created a Nepal Congress. ये दिख रहा है ना? Is this visible ना? है ना? ठीक है. So, on the line of that, they have created a Nepal Congress, and through by creation of Nepal Congress, they have waged a war against a Rana dynasty. There was a dynasty which has been established by a name in the name of Rana in 1846, and from 1846 this dynasty ended in 1951. It ruled Nepal from 1846 to 1951, and in 1951 ye jo Rana dynasty thi usko Nepal Congress ke through it has been ousted. ठीक है, तो नेपाल कांग्रेस हैज वेज अ वॉर अगेंस्ट अ राणा डायनेस्टी, एंड दिस डायनेस्टी वाज, यू कैन से दैट इट हैज बीन डन बाय द जंग बहादुर कुंवर. सो द रूलर हु हैज एस्टैब्लिश्ड अ राणा डायनेस्टी इज नेम एज अ जंग बहादुर कुंवर. ठीक, उन्होंने राणा डायनेस्टी एस्टैब्लिश की, और 1951 में कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस हैज आउस्टेड हिम. ठीक, लेकिन उस समय भी मोनार्कियल चल रहा था. And they have tried to form a constitution. So the recent development in the constitution of Bengal is, Nepal is 2015. जब 2015 में constitution नेपाल का बनता है तब. So it is an historical perspective of Nepal and a relations. ठीक है. So after getting independence in 1947. They have established a friendship relations with Nepal in 1950. So there is a relations between India and Nepal in 1950. ठीक, और 1950 में किसका रूल था नेपाल में? राणा डायनेस्टी का. So this treaty also become bone of contention between Nepal and India. क्यों? उनका क्या कहना था? आफ्टर सम टाइम, आफ्टर कंक्लूडिंग अ ट्रीटी, आफ्टर कुछ समय के बाद, द नेपाली सम ग्रुप ऑफ नेपाली नेपाल पीपल दे सेज कि दिस ट्रीटी वाज नॉट मेड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल्स पीपल और गवर्नमेंट, रादर इट वाज एग्रीमेंट डन थ्रू राणा डायनेस्टी. दिस इज द फर्स्ट बोन ऑफ कंटेंशन. उनका क्या कहना था कि ये नेपाली पीपल के साथ ये इंडिया ने एग्रीमेंट नहीं किया है, ये राणा डायनेस्टी के साथ किया था, हम इसे नहीं मानेंगे. आर गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द फर्स्ट
डिस्प्यूट रिलेटेड टू द ट्रीटी. सेकेंड सेज कि थ्रू दिस ट्रीटी इंडिया ट्रीटिंग नेपाल एज अ सबऑर्डिनेट और यू कैन से दैट लेसर स्टेट नॉट इक्वल फुटिंग. द रीजन सेज when the treaty was signed between Nepal and India, so India ने अपना एक diplomatic secretary भेजा था to sign the treaty, not a prime minister. So they have claim कि आपके prime minister sign करने treaty नहीं आए, तो इसका मतलब ये treaty आपके लिए उतना important नहीं है और आप Nepal को एक हीन भावना से देखते हैं. You see Nepal as an inferior state. You do not give them Nepal a equal status at the international level. Is this clear? So this is a bone of contentions, matlab dispute related to the India-Nepal relations 1950, right? Now this treaty has a some bearing of articles, or you can say the provisions related to the, or extended in the extended form of India-Bhutan relations 1949. So India-Bhutan relations mein there was a national treatment of citizen tha ek term humne dekha tha. Yes or no? What is a national treatment of citizens? क्या टर्म था बताइए, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ. ये क्या जवाब है? No sir, I don't know. पढ़ा हमने इंडिया भूटान रिलेशन 1949 में एक टर्म था नेशनल ट्रीटमेंट. क्या था वो? उठाइए उन्हें. This is a class. बताइए. Exactly, there was an agreement कि Indian people को भी नेपाल sorry भूटान में employment का opportunity होगा और भूटान को भी इंडिया में होगा. This treatment of national citizen treatment is an extended form in Nepal. It means it allows the Nepal citizens to acquire property in India, जो भूटान में नहीं था, acquisition of property नहीं था. और Indian को भी allow है नेपाल में settle होने का और property acquire करने का. Are you getting my point? नहीं, भूटान में सिर्फ एम्प्लॉयमेंट में है लेकिन नेपाल में इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है. सिटीजनशिप नहीं, नॉट प्रोवाइडिंग सिटीजनशिप, बट देर इज अ बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल कल्चर. एक टाइम में ये पूरा का एरिया जो था वो एंशिएंट में इट्स कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ इंडिया, तो इसलिए उनके साथ एक्सटेंडेड फॉर्म का वो ट्रीटमेंट है कि जॉब तो होगी ही, एम्प्लॉयमेंट में तो है ही, प्लस द बोथ सिटीजन्स साइड ऑफ द सिटीजन्स वेर अलाउड टू हैव अ राइट टू पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी. सेटल हो सकते हैं यहाँ पर, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं नेपाल में भी इंडियंस, और नेपाल के लोग इंडिया में प्रॉपर्टी ले सकते हैं. दिस इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ नेशनल ट्रीटमेंट ऑफ सिटीजनशिप. जी बताइए. तो वो उसका हाँ तो उसका अलग तरीका है, तो उसका रजिस्ट्रेशन के थ्रू होगा. इंडियन सिटीजनशिप तो कोई भी ले सकता है, उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है थ्रू द सिटीजनशिप एक्ट 1955 आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ इट हैज बीन सिक्स टाइम बीन अमेंडेड. सिटीजनशिप एक्ट 1955 को छह बार अमेंडमेंट किया, द लेटेस्ट वाज इन 2019, ठीक है, उससे पहले 2015 अमेंडमेंट 19 में ही हुई थी कि छह रिलीजियसली माइनॉरिटी कम्युनिटीज, ठीक है, छह ऐसे रिलीजियस जो अपने देश में सताए जा रहे थे तीन जगह से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटी. द टर्म इज परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटी, नॉट ओनली रिलीजियस माइनॉरिटी बट दे हैव बीन परसिक्यूटेड, मीन्स उनको या तो फोर्सफुली कन्वर्ट किया जा रहा है वहाँ पर, ठीक, या उनको मारा जा रहा हो, उनका रिलीजियस प्लेस को डिस्टॉर्ट किया जा रहा हो और उन्हें वहाँ पर अपने रिलीजियस फ्रीडम फॉलो नहीं करना है, एंड देयर पॉपुलेशन इज बिन डिक्रीजिंग. सो देयर आर सिक्स परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज हु हैज बिन अलाउड टू हैव अ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया थ्रू रजिस्ट्रेशन, और उनका पीरियड कम कर दिया गया है फॉर द 5 years. ऐसा 12 years है जनरली अंडर द रजिस्ट्रेशन, एनी वन रिक्वायर्स 12 years टू बी रिसाइड इन इंडिया आफ्टर रजिस्ट्रेशन, बिफोर रजिस्ट्रेशन दे हैव टू, बट दीज सिक्स कम्युनिटी हिंदू, सिख, Christians, Buddhist, Jain and Parsi. So these are the six communities, religious persecuted minorities.
इफ दे वॉन्ट दे केम इन इंडिया बिफोर 31 दिसंबर 2014, बिफोर नॉट आफ्टर. तो जो 2014 से पहले इंडिया में आए हैं रिलीजियस प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज, वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू ओनली दे हैव टू रिसाइड इन इंडिया फॉर 5 years, दे कैन बी ग्रांटेड अ सिटीजनशिप्स. ठीक. रेस्ट इनके अलावा अगर किसी और को भी लेना हो फ्रॉम दीज कंट्री, लाइक देर इज अ डिबेट कि इसमें रिलीजियस है एंड दैट, तो दे आर नॉट डिनाइड, रादर दे हैव टू स्टे फॉर 12 years. दे हैव टू कवर और दे हैव टू फॉलो द ओल्ड प्रोविजन्स. दिस इज बीन इम्प्लीमेंटेड ओनली फॉर दीज सेक्स. ठीक है. पारसी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पाकिस्तान का पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये तीन जगह से. ठीक है. तो दिस इज सिटीजनशिप 2019. इज दिस क्लियर? एनी डाउट? राइट. सो राइट डाउन ट्रीटी, इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ गए इसका? रिलीजियसली ज्वाइंट विद द बुद्धिज्म एंड रामायणास, कल्चरली ज्वाइंट. राइटिंग प्रैक्टिस चालू है, आंसर राइटिंग, गुड. रिवीजन भी करते रहिए, आप तुरंत नो बोल देते हैं, थोड़ा तो सोचिए, फिर आपने नो क्यों बोल दिया? एग्जाम ऐसे भूल गए तो कैसे होगा? लैक ऑफ रिवीजन है फिर ये, मैं इसी की बात करता हूँ. वो ठीक, मैं समझ गया, आपने आंसर दिया नहीं ना, तो दिस इज अ क्लॉज ना. चलिए, इन 1950, अब आप सेल्फ डिपेंडेंट होइए. राइटिंग छोटा लिख दो आप. इंडिया नेपाल रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप रिलेशनशिप, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप. ठीक है. फॉर इन 1950 इंडिया नेपाल साइंड अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड पीस. In 1950, India and Nepal signed a treaty of friendship and peace. Next point. This treaty extend mutual peace, friendship, extend mutual peace. और मैं आपको एक तरीका बताता हूँ और पढ़ने का, थोड़ा और इजी कर लेते हैं इसको. जैसे आप कुछ क्लास में आपने पढ़ा समझा, ठीक है, लेकिन जब आप रिवाइज करो तो किसी वर्ड का मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा, तो गो थ्रू द डिक्शनरी एंड ट्राई टू राइट अ सिंपलेस्ट मीनिंग बट इन इंग्लिश. हिंदी में मत रखे उसको, इंग्लिश में सिंपलेस्ट मीनिंग, और वहीं लिख लीजिए उसको. तो आप चाहें तो उस वर्ड की जगह वो वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, तो इट विल लेट यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन बेटर वे. This treaty extend mutual peace, friendship and sovereignty to each other. And sovereignty to each other and non-interference in each other's territory. And non-interference each other's territory. Next point. The treaty extend national treatment to each other The treaty extend national treatment to each other which means
सिटीजन्स ऑफ नेपाल्स आर एम्पावर्ड विच मीन सिटीजन्स ऑफ नेपाल्स आर एम्पावर्ड टू सेम प्रिविलेजेस फॉर प्रॉपर्टी सेम प्रिविलेजेस फॉर प्रॉपर्टी ट्रेड एंड रेसिडेंस ट्रेड एंड रेसिडेंस एंड मूवमेंट इन इंडिया राइट एंड वाइस वर्सा VISA वाइस वर्सा में समझ गए इसका उल्टा भी मीन्स इंडियन ऑल्सो अलाउड टू हैव अ रेसिडेंस राइट ऑफ रेसिडेंस एंड ऑल राइट नेक्स्ट पॉइंट इट मीन्स दैट इंडियन सिटीजन कैन रिसाइड नेक्स्ट पॉइंट इट मीन्स दैट इंडियन सिटीजन कैन रिसाइड एनी वेयर इन नेपाल resides in anywhere in Nepal and Nepal citizens can reside anywhere in India. So this means that to have a residence in India or in Nepal the citizens does not require the permissions or visa. Nahi, without that they can be residing come into aapko bahut sare Nepal citizens aapko dikh jayenge. Next point, the treaty has open border. Treaty has open border. Open border means हमने भूटान में भी open border discuss किया था. मतलब क्या है सिक्योरिटी नहीं होगी इसका क्या मतलब है विदाउट वीजा दे कैन एंटर इनटू ईदर ऑफ द रीजन ओपन बॉर्डर मींस आने जाने के लिए डॉक्यूमेंट वीजा की जरूरत नहीं है व्हेन यू गो यू कैन स्टिल यू कैन एंटर इनटू द काठमांडू पशुपतिनाथ थ्रू बिहार एंड गोरखपुर यूपी एरियाज आप जा सकते हैं नेपाल में ट्रैवलिंग वहां टूरिज्म जाती है राइट तो टू पाकिस्तान अपना लेकिन नेपाल पाकिस्तान के साथ लगता कहाँ है बाउंड्री है कहाँ जो ओपन बॉर्डर होगा उत्तराखंड के बाद यह है ये देखिए हिमाचल प्रदेश लास्ट बाउंड्री है इसकी दिस इज एन स्टेट वाइज बाउंड्री विथ नेपाल अगर आप देखें हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड विच इज शेयरिंग अ बाउंड्री विद द नेपाल दिस इज एन एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार देख रहे हैं राइट एंड देन इट इज बंगाल एंड सिक्किम ये सिक्किम का इलाका हो गया ये बंगाल का आपको चिकन नेक वाला सिलीगुड़ी वाला इलाका जो हो गया ठीक है तो ये ओपन बॉर्डर है तो कोई भी आ जा सकता है यहाँ पर वीजा या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है इसलिए बहुत जगह इन्फिल्ट्रेशन भी हो रहा है यहाँ से मेनी ऑफ द क्रिमिनल्स दे डू क्राइम्स इन UP and Bihar and they move to the Nepal overnight. हाँ है वहाँ इन्वेस्टमेंट है चाइना का तो करना ही पड़ेगा ना इंडिया को काउंटर करने के लिए हम वो चाइना फैक्टर जब चैलेंजेस देखेंगे इंडिया नेपाल में तो उसमें देखेंगे देर इज अ वन ऑफ द फैक्टर इज चाइना फैक्टर इन रिलेशन ठीक है इज दिस क्लियर राइट नाउ नेक्स्ट हेडिंग इशू इन ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप कहीं से मतलब जहां पर बाउंड्री लग रही है वहीं से ना हाँ जैसे बिहार में है आपका मोतिहारी ये सब से आप जा सकते हैं रक्सौल से जा सकते हैं ठीक है जयनगर ट्रेन चलती है जयनगर से हम वो देखेंगे कनेक्टिविटी भी देखेंगे ठीक है फिर आप गोरखपुर से जा सकते हैं नहीं 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 बॉर्डर है ओपन बॉर्डर का मतलब ये नहीं होता कि वहां पर फेंसिंग नहीं है या कुछ है नहीं वेलकम टू नेपाल वेलकम टू इंडिया बना हुआ है बॉर्डर वेल और वहाँ पर पुलिस भी है
ओपन बॉर्डर मीन्स तो वो पहले नेपाल नहीं, वो ऐसे नहीं, वो पहले गई दुबई, वहां से आई नेपाल और फिर यहां से विदाउट, क्योंकि इंडिया का सिटीजनशिप नहीं, इंडियन सिटीजन बन करके नहीं आई है। पाकिस्तान वाले को नेपाल से सॉरी डायरेक्ट आने के लिए चाहिए वीजा, ठीक है, बट शी केम फ्रॉम नेपाल, क्योंकि नेपाल से आने के लिए किसी को भी वीजा की जरूरत नहीं है, ओपन बॉर्डर है। बात समझ रहे हैं आप लोग या नहीं? ओपन बॉर्डर का मतलब ये नहीं कि गेट नहीं है, पुलिस नहीं है, सब कुछ है, चेक पोस्ट भी है, बट डॉक्यूमेंटेशन, वीजा नहीं चाहिए। दिस इज नोन एज एन ओपन बॉर्डर। जैसे यूरोपियन यूनियन के जो भी मेंबर है ना, दे आर बिन इन टाइज विद द ओपन बॉर्डर, आप कहीं भी आ जा सकते हैं। ये चेक कोई नहीं करता, आप समझ, चेक कोई नहीं करता वहां पर, वो इन जनरल कभी कभी हो गया तो कभी ऑर्डर है तो चेक, ऐसे है वहां पर पोस्ट, लेकिन चेक कोई नहीं करता, आप आ जा सकते हो। वो रैंडमली चेक, जैसे ट्रेन में टिकट रैंडमली चेक हो जाती है ना, तो वैसे ही है, रैंडमली चेक हो गई तो हो गई। तो ओपन बॉर्डर का मतलब यही है कि फ्रीली मूवमेंट है गुड्स सिटीजन्स का। तो वो भी पहले गई सऊदी, वहां से नेपाल आई है और फिर नेपाल से इंडिया घुसी है, जो आप बता रहे हो, ठीक है, ओपन बॉर्डर, इट हैज एन ओपन बॉर्डर ट्रीट एग्रीमेंट। ओपन बॉर्डर, व्हाट इज ओपन बॉर्डर, वी हैव सीन इन इंडिया भूटान रिलेशंस ना, ओपन बॉर्डर मीन्स फॉर द गुड्स एंड पीपल्स द मूवमेंट इज फ्री विदाउट एनी डॉक्यूमेंट, वीजा वीजा के लिए जरूरत नहीं है इसको, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि हमने वो भूटान में ऑलरेडी कर रखा है। इज दिस क्लियर? ठीक है, चलिए नाउ वी विल राइट इश्यूज इन ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड पीस रेज्ड बाय नेपाल। नाउ विल सी द इश्यूज विद द ट्रीटी, इश्यूज विथ रिस्पेक्ट टू ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड नेपाल, सॉरी पीस, फ्रेंडशिप एंड पीस रेज्ड बाय नेपाल, ऑफ फ्रेंडशिप एंड पीस, जो आपने अभी ट्रीटी लिखा है 1950, इशू इज विथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड पीस रेज बाय नेपाल। फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट अंडर द इशू, तो फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड उनका क्लेम क्या है कि ये जो ट्रीटी साइन किया गया है, दिस ट्रीटी वॉज साइन बिटवीन इंडिया एंड राणा डायनेस्ट्री, जिसको 1951 में इन्होंने हटा दिया था, दे हैव एस्टैब्लिश्ड, दे हैव रिमूव। सो फर्स्ट इज नेपाल कंप्लेन दैट व्हेन द ट्रीटी वॉज साइंड इन 1950, नेपाल कंप्लेन दैट व्हेन द ट्रीटी वॉज साइंड इन 1950, इंडिया कंक्लूडेड द ट्रीटी विथ राणा रूलर्स और डायनेस्ट्री, इंडिया कंक्लूडेड द ट्रीटी विथ राणा डायनेस्ट्री और रूलर। राणा रूलर, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सर्टेन सेक्शन इन नेपाल एलीज्ड दैट, सर्टेन सेक्शन इन नेपाल एलीज्ड दैट, ALLEGED, एलीज्ड मीन्स हाँ अक्यूजेशंस, आरोप, आरोप लगाना दोस्त, अक्यूजेशंस, एलीज्ड दैट द वे ट्रीटी वॉज साइंड, एलीज्ड दैट द वे ट्रीटी वॉज साइंड signifies that India considered Nepal a small state. The way treaty was signed signifies that India considered Nepal as a small state.
ठीक है, एंड वी हैव सीन दैट इंडिया हैज सेंड अ डिप्लोमैट, हाँ स्मॉल लेसर स्टेटस, मतलब छोटा राज्य है, इक्वल फुटिंग पे नहीं है, बिकॉज दे हैव सेंड इंस्टेड ऑफ जवाहरलाल नेहरू केम इन इंडिया टू साइन दिस, ए डिप्लोमैट हैज केम टू साइन विद द रूलर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एज पर आर्टिकल 10 ऑफ द ट्रीटी, एज पर आर्टिकल 10 ऑफ द ट्रीटी, ईदर पार्टी कैन आस्क फॉर अ चेंज, ईदर पार्टी कैन आस्क फॉर अ चेंज कैन आस्क फॉर अ चेंज इन द ट्रीटी वेन एवर डिमांडेड. ठीक है, नाउ द रीजन बिहाइंड राइटिंग दिस आर्टिकल इज दैट ऊपर का दो कंटेंशन है, डिस्प्यूट है, एक तो आपने जब ट्रीटी साइन की तब उस समय राणा रूलर थे, दूसरा आपने जब ट्रीटी साइन की यू हैव फेल्ट अस लाइक वी आर ए स्मॉलर लेसर स्टेट. नहीं तो इसके लिए भी आर्टिकल है कि अगर ऐसा है तो ट्रीटी में हम चेंजेस कर सकते हैं, पूरे ट्रीटी को बदलेंगे नहीं, द ट्रीटी विल बी ड्राफ्ट विल बी सेम, स्ट्रक्चर विल बी सेम, वी विल change the content, any article can be added or eliminated. So on the basis of this article there was a joint committee formed, right, Nepal ke demand par India ne joint committee form kiya to suggest a change in the treaty, lekin abhi tak uski report aayi nahi hai. Is it clear? So next point, so Nepal has asked for a change in the treaty, Nepal has asked for a change in the treaty and India has accepted the Nepal's request. And in 2014, the two sides established, and in 2014, the two sides established an eminent person group, EPG, established an eminent, E-M-I-N-E-N-T, eminent persons group, EPG, person groups to review the treaty. So this was a historical and a treaty. Now, abhi to likha apne eminent persons group. Dono join bhaiye. This group will have a person from both the nations, Nepal and India. ठीक है? So this is a historical perspective. Now we will see the current development. So current development we will go through the current prime ministerships. Hey, he is continuing here. So in 2014. In 2014, Prime Minister Modi visited to Nepal, okay? And in his neighborhood first policy, he described the relations of India and Nepal as a hit. He coined a term, hit, to describe relations between India and Nepal through a connectivity. So H stand in hit is highway. There will be a projections or connectivity of India and Nepal through highway. This is highways. I is info way.
इन्फोवे मीन्स इंफॉर्मेशन शेयरिंग थ्रू टेक्नोलॉजी, तो दोनों के बीच में कोलैबोरेशंस कैसा होगा, टेक्नोलॉजी का भी कोलैबोरेशंस होगा, ठीक। इन इंडिया नेपाल रिलेशंस दे विल बी कनेक्टेड थ्रू टेक्नोलॉजी, दे विल बी कनेक्टेड थ्रू हाईवे फॉर द ट्रांसपोर्टेशन गुड्स एंड पीपल, एंड द टी इज अ ट्रांसवे। नाउ व्हाट इज ट्रांसवे, ट्रांस ट्रांसफर नहीं, ट्रांसवे। ट्रांसवे क्या है, तो हाईवे था तो हाईवे से भी ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, हाईवे भी तो टू। नहीं, इट इज नॉट रिलेटेड टू कल्चर, इट इज रिलेटेड टू कनेक्टिविटी। नहीं, इनमें और इनमें दे आर द बोथ सेम टर्म्स, डिफरेंस इज दिस कि हाईवे जो है वो कम्स विद द लिमिट, हाईवे कैन बी टू लेन थ्री लेन हाईवे, या तो टू लेन, डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टू लेन, एक साइड से दो गाड़ियां जा सकती है, दो गाड़ियां आ सकती है, दिस इज टू वे, थ्री लेन। बट ट्रांसवे इज अ ब्रॉडर हाईवे विद द हाई स्पीड ट्रांसमिशन, एक्सप्रेसवे जिसको हम बात करते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे है ना, राइट। तो इट इज ट्रांसवे बिटवीन इंडिया एंड नेपाल विथ अ ब्रॉड हाईवे विथ हाई स्पीड ट्रांसमिशन। यहाँ एक स्पीड लिमिट होगी 60-100, और यहाँ स्पीड लिमिट नहीं है, दिस इज एन ट्रांसवे, अ ब्रॉडर विथ अ हाई स्पीड ट्रैफिक। तो इट मीन्स अ ब्रॉड हाईवे विथ हाई स्पीड ट्रैफिक। तो दिस टर्म वॉज कॉइंड बाई द इन 2014 बाई डिस्क्राइबिंग द रिलेशंस ऑफ इंडिया नेपाल इन 2014। इज दिस क्लियर, एनी डाउट, राइट। रिलेटेड टू दिस राइट डाउन टर्म, तो इन 2014 मिस्टर मोदी विजिटेड नेपाल, एंड इन्वोक्ड, और इन्वोक्ड मीन्स इन्वोक्ड, या फिर आप बोलिए क्वाइन द टर्म, राइट। इन्वोक्ड, इन्वोक्ड, आई एन वी ओ के ई डी, इन्वोक्ड, इन्वर्टेड कॉमा में लिखे, नेबरहुड फर्स्ट, नेबरहुड फर्स्ट, इन्वोक्ड नेबरहुड फर्स्ट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, टू डिनोट अ न्यू बिगनिंग इन रिलेशंस, to denote a new beginning in relation, neighborhood first to denote new beginning in relations, right. Next point, he coined the new term that is hit, he coined the new term that is hit, and HIT stand for highway, H for highway, I for infoways, and T for transways. And transway means a broad highways designed for high speed traffic. Highway का मतलब तो आप समझ रहे हैं, national highway हम जान रहे हैं, ठीक। Infoway, informations. जैसे हाईवे कैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन, राइट, तो इन्फोवे विल एनेबल टू ट्रांसफॉर्म द इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एवरीथिंग, दैट इज इन्फोवेज, राइट। इन्फो इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसवे अ ब्रॉड हाईवे इज डिजाइन फॉर अ हाई स्पीड ट्रैफिक, क्लियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट अंडर दिस, इन
2015 a donor conference was held in Nepal. In 2015 an international donor conference held in Nepal. अब ये डोनर कॉन्फ्रेंस है तो इसमें डोनेशंस की बात होगी एंड दिस कॉन्फ्रेंस वाज रिलेटेड टू द अर्थक्वेक ऑकर्ड इन नेपाल इन 2015 जो 2015 में अर्थक्वेक आई थी राइट जिसके वजह से आपका उत्तराखंड वो पूरा भर गया था राइट पानी और याद है आपको वो इंसिडेंट शायद आपने सुना होगा राइट तो उसके लिए डोनेशन के लिए कॉन्फ्रेंस हुई थी नेपाल में राइट तो एन इंटरनेशनल डोनर कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन नेपाल ब्रैकेट कॉमा में लिखे ड्यू टू अर्थक्वेक इन नेपाल ब्रैकेट में लिखे दैट इज ड्यू टू अर्थक्वेक इन नेपाल इंडिया प्लेज ब्रैकेट कॉमा बंद कर दीजिए नहीं नहीं ड्यू टू अर्थक्वेक के बाद बंद कीजिए ब्रैकेट क्लोज द ब्रैकेट इन ब्रैकेट आपको लिखना है ड्यू टू अर्थ द रीजन इज अर्थक्वेक फॉर दिस डोनेशन कैंप राइट और इस डोनेशन कैप ने इंडिया ने $1 billion डोनेट किया था दैट इट विल प्रोवाइड $1 billion असिस्टेंस राइट तो इंडिया प्लेज $1 billion इंडिया प्लेज $1 billion एक मिलियन में कितने जो 1 million मीन्स 10 lakh और 1 billion मीन्स एक हजार हाँ काइंड ऑफ ठीक है बिलियन $1 billion इन सपोर्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स वन एक बार फिर भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा ये बिलियन का राइट प्लेज $1 billion इन सपोर्ट टू द रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स ठीक नेक्स्ट पॉइंट In 2015, Nepal adopted a landmark constitution. In 2015, Nepal adopted a landmark constitution. मैं बोलने जा रहा था landmark adopted a Nepal constitution. Nepal adopted a landmark constitution, which defined Nepal as a secular country. Landmark constitutions which define Nepal as a secular country. Nahin, secular according to 2015. Which defined Nepal as a secular country. Full stop. This period means 2015 saw downturn in India-Nepal relations based on blockade on the movement of blockade blockade on the movement of goods from India to Nepal goods from India to Nepal due to violence in the bordering areas. ठीक है clear now give the heading security अच्छा आप एक बात बताइए डू हैव एनी आइडिया दैट व्हाट मिलिट्री एक्सरसाइज द टर्म रिलेटेड टू मिलिट्री एक्सरसाइज परफॉर्म बाय इंडिया एंड नेपाल क्या नाम है उसका
कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और नेपाल के बीच में होती है, हर साल करते हैं वो मिलिट्री एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज, वो नाम क्या है? मुझे अभी फिलहाल नहीं कोई नाम याद है इसे। सूर्य किरण, हाँ सूर्य किरण। इंडिया और आपका यूएस भी करती है विद अ डिफरेंट नेम, इंडिया यूके भी करती है, इंडिया सिंगापुर भी मिलिट्री एक्सरसाइज करती है, राइट। तो जो मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और नेपाल के बीच में चलता है दैट इज अ सूर्य किरण, वी विल राइट इन इन हियर, राइट। सो यू आर राइटिंग सिक्योरिटी, राइट द फर्स्ट पॉइंट। नाउ अंडर सिक्योरिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड एंड वी नो दैट इन अ मिलिट्री, इंडियन मिलिट्री, नेपाल्स पीपल वेर एनरोल्ड और बिन गिवन जॉब एंड इट इज अ ट्रेडिशन फ्रॉम ब्रिटिश आर्मी, वो उनको देते हैं। ये जो अग्नि स्कीम आई थी ना, अग्निवीर जो स्कीम आई थी, दैट इज ऑल्सो बिकम अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, क्योंकि देर इज अ गोरखा रेजिमेंट आर्मी में है, राइट, जिसमें वो एनरोल होते हैं, एंड देर आर ऑल्सो एनरोल्ड इन द अदर सेक्शंस ऑफ द मिलिट्री, इनसे उनका भी एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट होगा। तो दिस बिकम अग्नि वीर जो स्कीम है दैट इज ऑल्सो बिकम, वी विल राइट वेन वी विल सी द इन रिलेशंस चैलेंजेस इन रिलेशन, ठीक है। तो लिखिए, इंडिया हैज प्लेड अ लीडिंग रोल, इंडिया हैज प्लेड अ लीडिंग रोल इन हेल्पिंग नेपालीज आर्मी, नेपालीज आर्मी इन इट्स मॉडर्नाइजेशन थ्रू, इन इट्स मॉडर्नाइजेशन थ्रू प्रोविजंस ऑफ इक्विपमेंट्स एंड ट्रेनिंग, प्रोविजंस ऑफ इक्विपमेंट्स एंड ट्रेनिंग। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, द 16th इंडो नेपाल आर्मी बटालियन, द 16th, 16th 16 16वीं, द 16th इंडो इंडो नेपाल आर्मी बटालियन लेवल जॉइंट एक्सरसाइज, बटालियन लेवल जॉइंट एक्सरसाइज इन्वर्टेड कॉमा में सूर्य किरण, सूर्य किरण कंडक्टेड इन दिसंबर 2022, कंडक्टेड ठीक। अब जैसे ही आप जिस ईयर भी एग्जाम लिखेंगे, दिसंबर 2022 लास्ट ईयर, ठीक है, तो अगर आप उसको यूज कर रहे हैं तो रिसेंटली जो सूर्य किरण का एक्सरसाइज हुआ दैट हैज टू बी मेंशन, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले एग्जाम लिख रहे हैं दैट विल बी इंक्लूडेड इन 2022, बट यू आर राइटिंग आफ्टर दैट सो द रिसेंटली एक्सरसाइज शुड बी रिटन इन एग्जामिनेशन, इज दिस क्लियर। नेक्स्ट, द गोरखा रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी is raised partially by the Gorkha Regiment of Indian Army is raised partly, PARTLY, partly by recruitment from Hill District of Nepal, recruitment from Hill District of Nepal, Hill District, ठीक है। राइट डाउन द नेक्स्ट, दैट इज हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, हाँ नेक्स्ट हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन,
देखिए फर्स्ट पॉइंट, एंड दिस इज रिसेंटली दिस हैज हैपेंड जुलाई ना, मई और मई, इन मई द नेपालीज प्राइम मिनिस्टर केम टू इंडिया। डेवलपमेंट में आपको दिखा रहा हूँ व्हाट हैज बीन साइंड बाय दीज टू। तो फर्स्ट नेपाल इज एंडो विथ इकोनॉमिकली वाइबल पोटेंशियल। नेपाल इज एंडो विथ, ई एन डी ओ डब्ल्यू ई डी, एंडो विथ इकोनॉमिकली वाइबल पोटेंशियल ऑफ 50,000 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर। एंडो विथ एन इकोनॉमिकली वाइबल पोटेंशियल ऑफ, एंडो का मतलब समझ रहे हैं ना, हाँ, बेस्ट ऑन विथ या दिया हुआ उसका, ये एक तरीके से क्या है फायदा, एक उसका कंसिडर इट इज बिन गिवन इकोनॉमिकली वाइबल पोटेंशियल ऑफ 50,000 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर। 50, 50, नॉट 15, 50, 50, 50, 50,000 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर। नेक्स्ट, इन 2021 नेपाल स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग, इन 2021 नेपाल स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग 39 मेगावाट पावर टू इंडिया। एम डब्ल्यू लिख लीजिए ना, मेगावाट की जगह यू कैन राइट एम डब्ल्यू। 39 मेगावाट पावर टू इंडिया विच ग्रीव टू 452 मेगावाट, विच ग्रीव टू 452 मेगावाट, 452 मेगावाट इन 2022। 452 मेगावाट 39 से अगले साल, इन लास्ट ईयर नेपाल ने एक्सपोर्ट किया 452 मेगावाट टू इंडिया, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, इन लीन सीजन, एल ई ए एन, लीन सीजन, नाउ वी यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लीन सीजन, वी हैव डिस्कस्ड, राइट, बांग्लादेश के टाइम में हमने लीन सीजन में डिस्कस किया था। इन लीन सीजन नेपाल इम्पोर्ट पावर फ्रॉम इंडिया, बट इट डिपेंडेंस हैज ड्रॉप फ्रॉम 20%, बट इट डिपेंडेंस हैज ड्रॉप फ्रॉम 20%, ड्रॉप्ड फ्रॉम 20% टू 10% ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर। लास्ट 5 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बोथ साइड हैव फाइनलाइज्ड अ लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड। बोथ साइड हैव फाइनलाइज्ड अ लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट, अ लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट टारगेटिंग द एक्सपोर्ट ऑफ 10,000 मेगावाट। विद एक्सपोर्ट ऑफ 10,000 मेगावाट विद इन अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स टाइम फ्रेम, विद इन अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, विद इन अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, तो अगले 10 साल में दोनों 10,000 मेगावाट एक्सपोर्ट करेंगे। इट मीन्स इन दैट सम इंडिया विल एक्सपोर्ट सम अमाउंट, नेपाल विल एक्सपोर्ट सम अमाउंट, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, द 900 मेगावाट अरुण थर्ड प्रोजेक्ट, 900 मेगावाट अरुण थर्ड, अरुण थर्ड प्रोजेक्ट, ए आर यू एन, ए शुड बी इन द कैपिटल, थर्ड प्रोजेक्ट
started in 2018. Started in 2018 by SJVN. Satluj, write down what is SJVN. Satluj Jal Vidyut Nigam. Satluj Jal Vidyut Nigam. Will be operational by this year, 2023. So Arun third will be become operational by 2023. 23. It will become operational this year, 2023. ठीक है? 900 megawatt Arun third project, hydro project was started in 2018 by SJVN. In the bracket you write down what is SJVN? Satluj Jal Vidyut Nigam. हाँ, और Nigam Limited. Bracket close. Now this Arun third project will be operational by 2023. और ये अरुण प्रोजेक्ट क्या है? इट इज ऑन द बैंक ऑफ अरुण रिवर इन नेपाल. अरुण रिवर है, ठीक है, ऊपर ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है. हाइड्रो इलेक्ट्रिक, वी आर राइटिंग अबाउट द हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशंस में हम लिख रहे हैं. ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, दैट SJVN साइंड. नेक्स्ट पॉइंट, SJVN. A नहीं, ASS. JVN, Satluj Jal Vidyut Nigam signed another MOU of 695 megawatt MOU, Memorandum of Understanding. MOU of Arun and 695 megawatt Arun fourth project. MOU of 695 megawatt Arun fourth project in 2022. हाँ, clear? ठीक है, next point. National Hydroelectric Power Corporation. Hydro Electric Power Corporation, NHPC. National Hydro Electric Power Corporation, NHPC, signed two projects. Total of 1200 megawatt in 2022. Two projects, a total of 1200 megawatt in 2022. ठीक है, next point. India agreed to Nepal's demand. For the facility to export electricity. India's demand for the facility to export electricity to Bangladesh using Indian grid. Grid. Grid समझते हैं ना, we have discussed the grid in the last class also, right? This is was the also facility been shared between India and Bhutan, grid transformations for this and also transit has been given, right? Through this India has highlighted the prospect for
through this India has highlighted the prospect for sub regional cooperations prospect for sub regional cooperations right ठीक है. Now next point is connectivity. अब देखिए इंडिया और नेपाल के बीच देयर इज अ कनेक्टिविटी इज बीन मेड फ्रॉम गोरखपुर देख रहे हैं सुनौली एंड सुनौली टू भैरवा बट बस रोड ट्रांसपोर्ट दिस इज काठमांडू तो दिस इज अ बस रूट जो नई दिल्ली से चलेगी विच विल बी गो टू द भैरवा भैरवा इज इन प्लेस इन नेपाल तो नई दिल्ली टू लखनऊ लखनऊ टू गोरखपुर एंड देन गोरखपुर टू सोनौली और ये सोनौली जो आपका गोरखपुर में ही है राइट और यहाँ से फिर आपका भैरवा के लिए ट्रांजिट होगी तो दिस इज अ रोड ट्रांसपोर्ट और रोड कनेक्टिविटी हम कह सकते हैं बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश सॉरी हाँ नेपाल नाउ इफ यू टॉक अबाउट द रेलवे कनेक्टिविटी तो दिस इज अ कनेक्टिविटी थ्रू नेपाल रेलवे इंडिया It will be start from Jayanagar. This is in Patna, Bihar. Madhubani district. हाँ वो near the Patna it is a Jayanagar. जब आप यहाँ से connectivity होगी तो this is India will and after Jayanagar it will be enter into the Nepal border. Are you getting my point? Right? Then Khajuri, Nainital and it will be go to the Bijlapur. ठीक है एंड दिस नोन इज एन जयनगर कुर्था लाइन विच इज पार्ट ऑफ दिस एंड इट विल बी एक्सटेंडेड ऑल्सो और ये एक्सटेंड कहां तक होगा बिजलापुर तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है तो दिस इज कनेक्टिविटी थ्रू रेलवे नाउ दिस इज अ पाइपलाइन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल This is also connectivity for the transportations of energy, right? So, yehi Raksol. There is a place in Bihar known as a Raksol. Mein ek jagah hai, Birganj. Wo bhi connect karti hai India aur Nepal ka border share karta hai. So, yahan se yeh ja karke aapka Amlekh Ganj jo Nepal mein jagah hai, yahan par ek pipeline bich rahi hai. And this pipeline, through this pipeline, it will facilitate एक infrastructure terminal बनाएगी and infrastructure means the storage facility will be there. Terminal बनेगा right? यहाँ से उसको transportation के लिए दूसरी facilities भी infrastructure भी developed की जाएगी तो connectivity we have soon seen the connectivity through the road New Delhi to Bhairava, railway Jayanagar to Bijlapur Kathua Road, right? And in the terms of pipeline between India and Nepal, which is starting from the Raksol. Pipeline se aur kya jayega? Ab pipeline se aadmi ja nahi sakta. So oil, gas, LPG, gas, oil, jitne energy jo bhi matlab aapke sector mein hai, wo jayenge. Jaise India aur Dubai. Are planning to connect India and Dubai through the rail, sea water rail. ठीक है तो basically the purpose behind that is not to transport people. क्योंकि तीन घंटे में आप दुबई पहुँच सकते हैं चार घंटे में बाई फ्लाइट इतने लंबे सफर क्यों बनाया जाए मुंबई इट इज कनेक्टिंग मुंबई एंड दुबई Now the basic purpose this is to from that पाइपलाइन वो रेलवे के नीचे दो पाइपलाइन लगी होंगी एक से दुबई ऑयल एक्सपोर्ट करेगा और दूसरे पाइपलाइन से
ड्रिंकिंग वाटर, फ्रेश वाटर इंपोर्ट करेगा फ्रॉम इंडिया, तो इट विल ऑल्सो हेल्प टूरिज्म, और ये बेसिक मेन उनका यही है, पानी नहीं है पीने का वहाँ, वेस्ट में पानी नहीं, दिक्कत पीने का पानी, इसलिए वहाँ बहुत महंगा पानी मिलता है, ऑयल बहुत है, हाँ पानी बहुत महंगा है, पानी बहुत महंगा है वहाँ, मतलब बहुत ही महंगा है, ठीक है। तो दिस इज पाइपलाइन, और पाइपलाइन के थ्रू आपका एलपीजी हो गया गैस या एनर्जी पेट्रोलियम क्रूड ऑयल के फील्ड में ये ट्रांसपोर्ट करेंगी रक्सौल से, राइट, बिकॉज दिस इज एन बॉर्डरिंग एरिया ऑफ इंडिया नेपाल एंड इट विल अमलेखगंज तक जाएगी वो। इज दिस क्लियर? सो वी हैव सीन द कनेक्टिविटी थ्रू थ्री चैनल, राइट। चलिए लिखिए, फर्स्ट पॉइंट, टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल, टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल, द रुपए डीहा, आर यू पी ए आई डी एच आई ए डी आई एच ए रुपए डीहा दैट इज इन यूपी टू नेपालगंज रुपए डीहा टू नेपालगंज इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट was inaugurated. Checkpost was inaugurated. Next, work began on the Sunoli Bhairava checkpost. The Sunoli Bhairava Integrated Checkpost. Work began on the Sunoli Bhairava. Sunoli आपका गोरखपुर यूपी में है, टू भैरवा जो ट्रांजिट पॉइंट है वहां पर एक चेक पोस्ट की तैयारी हो रही है. And MOU signed for another check post. An MOU was signed for another check post as Dohra Chandni. At Dohra Chandni. This is place in Nepal. Chandni, that Dohra Chandni place in Nepal. एक यहाँ पर check post बनेगी नेपाल में, ठीक है, क्लियर। तो एक सुनौली और भैरवा के बीच में चेक पोस्ट बन रही है, राइट, और इसी और एक दूसरा कहाँ बन रहा है, दोहरा चांदनी में चेक पोस्ट बनेगी, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ जी, सीसीसी के थ्रू सी वाटर, हाँ नहीं तो ट्रेन भी चलेगी उसमें, आप और हम भी जा सकेंगे, लेकिन मेन पर्पस नीचे दो पाइपलाइन होगी बड़ी बड़ी, ऊपर रेल है, डाउट क्या है? अच्छा दोनों अंडर सी वाटर, बनाएंगे ही, बहुत टेक्नोलॉजी है बनी हुई है, दूर तो है लेकिन वो मेन पर्पस, दे हैव टू ट्रांसपोर्ट द एनर्जी, ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज अ प्लान टू एक्सटेंड द जयनगर कुर्था रेलवे लाइन, देयर इज अ प्लान टू एक्सटेंड दिस जयनगर कुर्था लाइन रेलवे लाइन कुर्था KURTHA कुर्था इन नेपाल रेलवे लाइन कुर्था KURTHA
एंड इट विल बी एक्सटेंडेड टू बारदी दास. बारदी दास, बी ए आर डी आई डी एस, बारदी दास. और जो कुर्था है ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ बिजलापुर लाइन. दिस जयनगर कुर्था लाइन जो है आपका, दैट वॉज स्टार्टेड बिटवीन जयनगर एंड कुर्था. इट वॉज एक्सटेंडेड टू बिजलापुर. नाउ इट विल बी एक्सटेंडेड टू बारदी दासपुर. ठीक है. नाउ इफ यू कम टू द पाइपलाइन, तो राइट ऑन पाइपलाइन दैट मोतिहारी अलेखगंज. मोतिहारी दैट इज नियर द रक्सौल, मोतिहारी. हाँ हाँ हाँ. और अमलेखगंज, मोतिहारी डैश अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन. पेट्रोलियम पाइपलाइन and extended, it will be extended to Chitwan. Chitwan, Amlegan se upar hai Chitwan. Next, right? Ye kahan pe hum aa gaye? We have seen the western border and we have seen the southern border. Now there is a one pipeline, Chitwan, Chitwan. ठीक है. तो नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर में हमने देखा, राइट. नाउ वी विल सी देयर इज अ प्रपोज्ड पाइपलाइन बिटवीन सिलीगुड़ी एंड जाफला फ्रॉम द ईस्टर्न टू नेपाल. सो नेक्स्ट, एमओयू, एमओयू फॉर अ न्यू पाइपलाइन बिटवीन जाफा, JHAPA, जाफा. A new pipeline between Jaffa and Siliguri signed and Siliguri signed, which includes terminals and other infrastructure, terminals and other infrastructure. This is connectivity. ठीक है. Now write down energy, power. पावर, पावर नॉट एनर्जी, पावर. फर्स्ट पॉइंट, इंडिया एंड नेपाल हैव अ पावर एक्सचेंज एग्रीमेंट. इंडिया एंड नेपाल हैव अ पावर एक्सचेंज एग्रीमेंट सिंस 1971. Agreement, exchange agreement since 1971 for meeting the power requirements in the border areas. Meeting the power requirements in the border areas of the two countries. In the border areas of the two countries. Next point. With the assistance of Government of India, with the assistance of Government of India, 132 132 KV
किलोवाट, के कैपिटल वी कैपिटल के वी किलोवाट, कठिया किलोवाट किलो के वी की के वी, एम एम डब्ल्यू होता मेगावाट, वैसे के वी एक यूनिट है ना, दिस इज एन यूनिट, सॉरी एनर्जी यूनिट, हाँ किलो वोल्ट इज एन एनर्जी यूनिट, 132 के वी कठिया, अब ये कहाँ पर है, कठिया के ए टी ए टी ए आई वाई ए, कठिया कुशाहा, कठिया कुशाहा के यू ए एस एच ए एस एच एच ए कुशाहा। तो यहाँ पर 132 के वी का एक ट्रांसमिशन लाइन विद द असिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज बिन फॉर्म मेकिंग, ठीक है, एंड 132 के वी एंड 132 के वी इन रक्सौल, इन रक्सौल परवानीपुर, रक्सौल टू परवानीपुर, रक्सौल परवानीपुर, दिस इज ऑफ 132 के बी, दिस ऑल्सो अ ट्रांसमिशन लाइन आर बींग ऑपरेशनलाइज, कंटिन्यू, ट्रांसमिशन लाइन इज बींग ऑपरेशनलाइज, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ रुक गया, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया क्या, लाइन ट्रांसमिशन लाइन आर बींग ऑपरेशनलाइज, ये दो लाइन लिखा है आपने, यहाँ पर रक्सौल परवीपुर 132 ट्रांसमिशन लाइन एस्टेब्लिश हो गई है विद द असिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नाउ इट इज बीन ऑपरेशनलाइज, मीन्स अब ये चालू हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रही है एंड देयर विल बी ट्रांसपोर्टेशन, सिमिलरली दिस इज वन ऑफ द एरिया जहां पर 132 केवी का लाइन है एंड इट इज बीन ऑपरेशनलाइज, ऑपरेशनलाइज मीन्स नाउ प्रोडक्शन इज बीन स्टार्टेड एंड दीज टू आर बीन मेड विद द असिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द एनर्जी पावर सेक्टर, कठिया इज इन बिहार एंड कुशाहा, कुशाहा इज इन नेपाल, कटिहार नहीं कठिया, कटिहार इज अ डिफरेंट, कठिया इज अ डिफरेंट, हाँ कटिहार तो डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द कंस्ट्रक्शन ऑफ 400 केवी The construction of 400 kV Muzaffarpur Dhalkebar transmission line, Muzaffarpur Dhalkebar DHAL KEBAR, Muzaffarpur Dhalkebar transmission line is in progress, Dhalkebar DHAL K E B A R is in progress, which allow Dhalkebar transmission line is in progress means वो काम शुरू है उस पर, right? उस पर काम चल रही है, it is not operational, right? But when it become operational, so it said which allows import of up to 1000 megawatt of power. Import of up to 1000 megawatt of power by Nepal from India, 1000 megawatt of power by Nepal from India and also export from Nepal to India. जी
फ्रॉम बाय नेपाल फ्रॉम इंडिया मीन्स 1000 megawatt विल बी एक्सपोर्टेड टू नेपाल बाय इंडिया एंड इट विल ऑल्सो एक्सपोर्ट टू इंडिया. हाँ एक्सचेंज कर रहे हैं नेपाल इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहा है नेपाल के नाम से वो एक्सपोर्ट ही होगा. सो हियर यू कैन ऑल्सो राइट इफ आर गेटिंग कन्फ्यूज दैट इंडिया विल एक्सपोर्ट वाइस वर्सा हो गया और वहाँ पर इंडिया इम्पोर्ट कर लेगा फ्रॉम दिस. रक्सौल मुजफ्फरपुर रक्सौल से आपका हाँ पाइपलाइन ना यही वाला ना दिस इज पाइपलाइन मोतिहारी से है आमलेखगंज और उसको और एक्सटेंड कर दिया है टू द चितवन. हाँ पास में ही है दोनों आई मीन हाँ डिस्ट्रिक्ट अलग है बट पास में ही ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट एन एग्रीमेंट ऑन इलेक्ट्रिक पावर ट्रेड एन एग्रीमेंट ऑन इलेक्ट्रिक पावर ट्रेड कॉमा ट्रेड ट्रेड कॉमा क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन एंड ग्रिड कनेक्टिविटी ग्रिड GRID ग्रिड कनेक्टिविटी वॉज साइंड इन 2014 बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. वॉज ग्रीड के बाद वॉज साइंड इन 2014 तो अभी आया भी नहीं है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. तो दिस इज पावर राइट. नाउ राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग ट्रेड In 1996, Nepal's export to India have grown more than 11 times and bilateral trade more than 7 times. More than 11 times and bilateral trade more than 7 times. Bilateral. वहाँ export हो रहा है यहाँ bilateral exchange, import and export. That is 7 times. Next point. Indian firms are the biggest investor in Nepal. Indian firms are the biggest investor in Nepal. Accounting for about 40%. Accounting for about 40% of the total FDI. Investors in Nepal. Indian firms, high industry. अच्छा firms मैं firms सोच रहा था firms and firms industries or any group who trying to invest FDI 40% of the total FDI foreign direct investment. So, Nepal में जितने भी foreign direct investment है तो out of the 100% 40% is accounted for India. So Indian firms were establishing in investing in foreign direct investment. Clear? So this is trade.
Now we will move to the conflict or challenges between in India and Nepal relations. And bilateral trade more than 7 times. Bilateral मतलब वहां सिर्फ export हो रहा है, वो इंडिया को सिर्फ बेच रहा है, bilateral वहां से ले भी रहा है और कह रहा है, तो उसमें भी increase हुआ है, ठीक है, जहां से इंपोर्ट भी कर रहा है और एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ा है. इज इट क्लियर? नाउ वी विल मूव टू द चैलेंजेस इन द रिलेशंस ऑफ इंडिया एंड नेपाल. सो इफ यू सी द चैलेंजेस, सो इट हैज अ 3 चैलेंजेस. 3 बेसिस पे हम इन दोनों के रिलेशंस को, चैलेंज को समझ सकते हैं, ठीक है. तो challenges in the relations between India and Nepal, ठीक है. So it has 3 dimensions. First, the recent development Agnivir. ठीक है, एंड यू नो द मीनिंग ऑफ अग्निवीर, अग्निपथ स्कीम, जहाँ आप शॉर्ट टर्म सर्विसेज के लिए आर्मी में इंक्लूड किए जाएंगे एंड देन इट विल बी 4 years, देन द पर्सन्स विल रिटायर एंड 25% ऑफ दैट विल बी रिटेन इन द आर्मी, ठीक है. सो एज वी नो दैट नेपाल सिटीजन्स ऑल्सो कंप्राइजेस इन द इंडियन आर्मी अंडर द गोरखा रेजिमेंट. अभी हमने देखा है दैट दे मेक अ पार्ट, ह्यूज पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी अंडर द गोरखा रेजिमेंट, राइट. सो इट मीन्स अंडर द नेशनल ट्रीटमेंट ऑफ सिटीजन्स स्कीम्स 1950 वेर दे हैव बीन एम्प्लॉयड इन द इंडियन आर्मी. सो बिकॉज ऑफ दिस द नेपाल विल फेस एन अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंज. यस या नो? कुछ सेक्शंस ऑफ इसमें आकर वो 4 साल के जॉब के बाद उनको रिटायरमेंट हो जाएगी, तो दे विल फेस एन अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, देन देयर विल बी अ चैलेंजिंग प्रॉब्लम, स्कार्सिटी होगा फिर रिसोर्सेज, तो बर्डन बढ़ेगा गवर्नमेंट के ऊपर. एंड बिफोर डूइंग दिस इट इज सेड दैट इट हैज नॉट बीन कंसल्टेड, राइट. सो नाउ इट इज सजेस्टेड दैट बोथ द पार्टी इंडिया एंड नेपाल शुड, मिलिट्री एंड फाइनेंशियल पार्टी शुड कम टूगेदर एंड डिस्कस दिस ऑप्शन, ठीक है. दिस इज वन ऑफ द, दिस इज चैलेंजेस बीन रिसेंटली डेवलपमेंट की वजह से डिस्प्यूट्स हुआ है. अब इंडियन और इंडिया और नेपाल के बीच में जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है दैट इज अ चैलेंज इन दैट, दैट इज अ बॉर्डर इशू एंड विच इज बीन एग्जिस्टेंस इन इंडिया एंड नेपाल फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम. कौन सा बॉर्डर इशू है बताइए? बहुत बार नेपाल जो है कौन सा इलाका जिसको अपने में इंक्लूड कर लेता है तो इंडिया फिर उसको अपोज करता है. काला पानी एक जगह है, राइट. काला पानी नहीं, दिस इन नेपाल एंड उत्तराखंड बॉर्डर के पास है काला पानी. This is an area. This is Nepal. ये नेपाल है आपका, ठीक है. This is काला पानी area in लिम्पोदूरिया. यहाँ से अभी dispute क्यों है ये यहाँ पर? Just because of the Britishers. ठीक है. तो इस dispute को समझने के लिए पहले हमका historical background समझना होगा, right? कि कैसे ये dispute आया, क्यों? ये सब किया था जितने भी इस एशियन नेशंस में है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इल डिमार्केशन ऑफ लैंड बाउंड्री बाय द ब्रिटिशर्स. तो इन 1814 में आफ्टर द एंग्लो इंडियन वॉर, सॉरी नॉट एंग्लो इंडियन, एंग्लो नेपाल वॉर, देयर वाज अ ट्रीटी साइन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल एंड
this and Britishers, which is known as the Treaty of Sangauli. ठीक है. So the second we are seeing the Kalapani dispute. Kalapani boundary dispute. ठीक है. इस कालापानी बाउंड्री डिस्प्यूट को हिस्टोरिकली हम थ्योरेटिकली भी समझेंगे और थ्रू द मैप भी समझेंगे कि ये डिस्प्यूट क्यों बन रहा है. तो मैंने बहुत सारे मैप लगाए हैं टू अंडरस्टैंड दिस डिस्प्यूट. तो अगर हम इस कालापानी डिस्प्यूट को देखते हैं, तो इट अरोजेस फ्रॉम द आफ्टर द एंग्लो नेपाल वॉर. ठीक है. और ये काला पानी जो है कंसीडर वो काली रिवर की वजह से है. देयर इज अ रिवर विच फ्लोज इन नेपाल विच इज नोन एज अ काली रिवर. ठीक है. तो 1814 में ब्रिटिशर्स और नेपाल के बीच में एक वॉर होती है और इस वॉर के बाद इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी साइन होता है. दैट ट्रीटी इज नोन एज अ संगोली ट्रीटी. ठीक. राइट. इस ट्रीटी में एक लाइन मेंशन है दैट द राजास ऑफ द नेपाल हैज टू रिनाउंस द क्लेम ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ काली रिवर. नाउ इफ यू सी दिस इज अ डायग्राम, यू कैन से द मैप ऑफ अ नेपाल विथ अ काली रिवर. तो इसमें क्या कहा है ट्रीटी में कि ट्रीटी जब साइन हुई है तो दिस इज अ काली रिवर. ये आप देख रहे हैं ना, दिस इज अ काली रिवर. इज इट विजिबल, वाइट इज विजिबल, दिख रहा है ना. तो दिस इज काली रिवर. ठीक. तो संगोली जो एग्रीमेंट हुई है इन 1814, इट सेज दैट द राजास ऑफ नेपाल हैज टू रिनाउंस द क्लेम, मतलब उनको ये छोड़ना होगा द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द काली रिवर. तो ये जितना इलाका है ना, इस पे क्या किया इन्होंने, राजा ऑफ नेपाल एंड हिज हेयर एंड ऑल मैन, जितने भी आगे आने वाले उसके डायनेस्टी के लोग होंगे, उनका इस एरिया पे कोई भी क्लेम नहीं होगा इस एरिया पे, विच इज एन वेस्ट ऑफ काली, और ईस्ट ऑफ काली पे उनका क्लेम है. एंड दिस इज द काली रिवर. एंड दिस बिकम द रीजन फॉर डिस्प्यूट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. अब ये क्यों बनाए इन्होंने, क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं है बाउंड्री का कि कहां से क्या निकल रहा है. राइट. उन्होंने गेस किस बेसिस पर किया, इस बेसिस पे गेस किया कि इंडियन हिंदूज जो मानसरोवर यात्रा जाते हैं वो लीपू लेक का यूज करते हैं टू गो टू मानसरोवर. अगर आप मानसरोवर जाएं तो दिस सी, दिस इज अ पास, लीपू लेक पास, उत्तराखंड. ठीक है. ये इंडिया का बॉर्डर एंड दिस इज नेपाल, अल्मोरा एंड दिधारी, ये सब. ठीक है. तो ये लीपू लेक पास है जहां से इंडियन क्रॉस करके मानसरोवर के लिए निकलते हैं. So the Britishers has said that, और ये आपका west of काली में पड़ता है, river जो काली है आपका उसके west में है ये. तो इसको इन्होंने कम एक boundary decide कर लिया कि काली यहाँ से originate होती है, origination point है. तो ये area demarcate कर दिया कि this will be the boundary between India and Nepal. क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं था इस ज्योग्राफिकल लोकेशन का, बहुत माउंटेनियस और हिमालयस रीजन था. तो दे हैव कंसीडर्ड कि दिस, दे ट्रैवल थ्रू लीपू लेक एंड दे एंटर इनटू दिस, सो दिस विल बी कंसीडर्ड एज एन मेन पॉइंट, लीपू लेक मानसरोवर के लिए. यस और नो? राइट. एंड दिस बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश रिलेटेड टू काला पानी. अगर हम इंडिया नेपाल, सॉरी अभी तक बांग्लादेश ही चल रहा है. नाउ इफ यू सी इन द पॉलिटिकल मैप, तो दिस इज एन एरिया ऑफ कालापानी.
ये नेपाल हो गया आपका, यस और नो, एंड दिस इज इंडिया विद द उत्तराखंड। तो ये है आपका काला पानी का एरिया, जिसको कभी नेपाल अपने अंडर में मैप में शो कर लेता है, जिसका इंडिया अगेंस्ट में है या इंडिया शो करता है रिसेंटमेंट, विरोध करता है। हाँ, चाइना भी अभी हम करेंगे, चाइना फैक्टर भी, हाँ तो हम देखेंगे, पहले इन दोनों को देख लेते हैं। आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, दिस काला पानी समझ में आया, काला पानी डिस्प्यूट एंड एवरीथिंग, यस और नो, राइट? तो दिस इज द रीजन वाई देयर इज अ, और यहाँ से अब यहीं से देखिए, यहीं आपका लिपू लेक है जो हमने पास देखा था, जिससे वो निकल करके मानसरोवर चले जाते हैं, कैलाश मानसरोवर यात्रा जो जाते हैं वो फ्रॉम दिस दिस उत्तराखंड से होते हुए लिपू लेक क्रॉस करते हुए, इसको उन्होंने ओरिजिनेट मान लिया काली रिवर का, कि वहां से वो निकलती है। तो इससे निकलने वाली रिवर यहां से जब निकलेगी तो इस एरिया में नेपाल का कोई भी क्लेम नहीं होगा, दैट्स अंगोली ट्रीटी ऑफ एंग्लो एंड नेपाल, इनका सारा क्लेम किधर हो गया, दिस साइड ईस्ट, क्योंकि पूरा माउंटेनियस हो गया तो इनको उधर दे दिया, जो भी नेचुरल प्रोडक्ट और ये आ गया आपका हाइड्रो पावर, ये सब यहाँ पर उन्होंने अपने अंडर रख लिया। इज दिस क्लियर? ठीक है, आप देखिए तो इंडिया का ट्राई जंक्शन हो रहा है यहाँ पर, इंडिया का ट्राई जंक्शन आपका यहाँ भी दिख जाएगा, ये देखिए, हाँ क्या इतना छोड़ ही दिया, तो हाँ यही तो, ये वाला, ये देखिए यही, ये नेपाल, ये इंडिया, हाँ काली रिवर है और प्लेस है काला पानी, वेस्ट में उनका ईस्टर्न दे दिया। वो नेपाल का ही था टेरिटरी, लेकिन उस पर क्लेम ब्रिटिशर्स ने किया, टेरिटरी इंडिया पर नहीं, उन्होंने नेपाल का ही पार्ट था, लेकिन जो नेपाल के राजा थे जिनका उस समय रूल चल रहा था, दे हैव डिसाइडेड कि अब आपका उस पर क्लेम नहीं है, दैट विल बी रिमेन एन इंडियन क्लेम, राइट? लेकिन मैंने आपको बताया कि द ब्रिटिशर्स वेर नॉट इन ए पोजिशन टू डिफाइन डिमार्केट द बाउंड्री बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ नेपाल, पहाड़ और ये पूरा होते हो तो क्लियर डिमार्केशन नहीं था, तो उन्होंने एक आइडिया लगाया कि जब हिंदूज मान सरोवर के लिए जाते हैं तो दे क्रॉस द लिपू लेक, तो इनको इसने बाउंड्री कर दिया कि दिस लिपू लेक विल कंसिडर एज ए बाउंड्री, इसकी वजह से डिस्प्यूट शुरू हो गया। इनका क्लेम है काली पे पूरा, क्योंकि काली रिवर पूरा और आपका जो फ्लो करता है वो नेपाल में करता है, तो उन्होंने कहा कि काली हमारे यहाँ फ्लो कर रहा है, पूरा कैचमेंट एरिया नेपाल में है, तो ओरिजिनेट भी नेपाल में होना चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस की भाई यहाँ से हिंदू जो जा रहे हैं ऐसे ट्रेवल करके जा रहे हैं, ये ट्रेवलिंग पॉइंट है ड्यू टू द टेरेन, माउंटेनियन टेरेन की, अब माउंटेनियन ट्रेन में आप स्ट्रेट रास्ता तो बना नहीं सकते हैं, रास्ता हमेशा टेढ़ा ही होगा, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन इसको इन्होंने कंसिडर बाउंड्री कर लिया कि जो रूट वो यूज करें हम उसको बाउंड्री मान लेते हैं। आर गेटिंग माई पॉइंट? बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन दिस काला पानी के बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन, क्योंकि यही वो रीजन है जहां से काली रिवर का ओरिजिनेशन है, और काली रिवर पूरा जो है वो ड्रेनेज कहाँ हो रही है, दैट इज अ कैचमेंट एरिया इन टू द नेपाल। आर गेटिंग द पॉइंट? तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि इसको क्लेम इंडिया कर रही है, लेकिन नेपाल का कहना नहीं इस ओरिजिनेशन है तो ये हमारा है, तो कभी नेपाल उसको अपने मैप में शो कर देता है तो उसके अगेंस्ट में इंडिया आ जाता है कि नहीं दिस इज रॉन्ग। ठीक है, समझ में आ रहा है? आया अपने एटलस देखिए, कैन यू, आप ही के पास है, बाकी किसी पास नहीं है।
अब लेकर के आता हूँ, बस पहले ही लानी चाहिए ना। अगर आप मैप खोल के देंगे यू कैन फाइंड इट ऑन योर, मैं इतने सारे तो समझाने के लिए सिर्फ इतना सारा लगाया मैंने फोटो इन अ डिफरेंट डिफरेंट मोड। ए काली रिवर, यू कैन सी दिस, कैचमेंट जो वहाँ पर फ्लोस ड्रेनेज या फ्लोस ड्रेनेज जहाँ पर वो ड्रेन करता हो जाकर के बह जाता हो, और कैचमेंट एरिया का मतलब है जहाँ पर वो जितने एरिया को सिंचाई और ये कर रहा है जिसकी वजह से फायदा हो रहा है कैचमेंट एरिया। लिपू लेक के पास, लिपू लेक तो इंडिया में है, देखिए क्या, हाँ वही मैं आपको बता रहा हूँ क्या हुआ है। देखिए टेरेन की वजह से 1800 में 1814 में आज जो नेपाल की स्थिति वो अलग रही होगी, माउंटेन और क्लाइमेट और एवरीथिंग, ठीक है, तो अनइवन टेरेन एरिया है वो, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि काली रिवर का जो आपका ईस्ट थगौली जो एग्रीमेंट हुई 1814 में, ये कहा गया कि काली रिवर के वेस्ट में राजा का कोई भी क्लेम नहीं होगा। कौन से राजा? नेपाल के जो राजा है उनका कोई भी क्लेम उनका नहीं होगा, उनके आने वाले पीढ़ियों का भी क्लेम नहीं होगा, उनका क्लेम कहाँ रह जाएगा? ईस्ट ऑफ दिस काली रिवर। ऐसा उन्होंने क्यों किया, रीजन क्या है कि ये पूरा एंडोर्ड है किससे? नेचुरल रिसोर्सेस से, राइट। अब लेकिन इस एरिया में बाउंड्री वो डिसाइड कर नहीं पाए बिकॉज ऑफ द अनइवन क्लाइमेट। तो उन्होंने क्या कहा कि जो हिंदूज रोड यूज करते हैं टू ट्रेवल टू मानसरोवर, उस मैप उस रोड मैप को उन्होंने बाउंड्री डिसाइड कर दी, तो वो यहां से वो निकलते देख, अब आप देखिए ये दिस इज द एरिया वेयर दे आर ट्रेवलिंग लिपू लेक। अब लिपू लेक इज द लास्ट पॉइंट इन उत्तराखंड जहां से वो पास जहां से वो बाहर निकल जाते हैं मानसरोवर के लिए। आर गेटिंग द पॉइंट? यस और नो? क्लियर। तो अब अगर आप इस लिपू लेक को देखेंगे इन दिस, तो दिस इज लिपू लेक, दिस इज लिपू लेक जो इंडिया में है, राइट। अब ये देखिए ये ऐसे यूज किया इन्होंने, यहां जा करके निकल गए, तो इसी को बाउंड्री डिसाइड कर दिया कि भाई जो रूट वो ले रहे हैं, क्योंकि माउंटेन इलाकों में आप कभी भी इवन रास्ता नहीं बना सकते, कभी बर्फबारी से रास्ता ढक गया, कि हमेशा जब भी मॉनसून चेंज होगा ये चेंज होगा तो रास्ता हमेशा चेंज ही होता रहता है, तो रास्ता हमेशा अनइवन हो जाता है। आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? तो उसके बेसिस पर इन्होंने बाउंड्री डिमार्केट कर दी कि जो रूट वो ले रहे हैं वही बाउंड्री है, इसकी वजह से काला पानी चला है इंडिया में, और जहां से काली का ओरिजिनेट हो रहा है, काली इज अ रिवर, ठीक है। तो आप अगर तो काली सबसे ज्यादा कहां पर रही कैचमेंट, देखिए दिस इज द एरिया नोन एज दिस इज नोन द कैचमेंट एरिया ना, तो ये पूरा का पूरा ये यहां से आ रहा है, देख रहे हैं यहां पर, एंड दिस इज हियर काला पानी, इसीलिए कंटेंशन। तो काला पानी में इंडिया अपना क्लेम करता है और नेपाल भी करता है कि भाई वहां से हमारी रिवर निकल रही है, तो क्या फर्क पड़ता है? इंदस का भी तो कैचमेंट इंडिया में है लेकिन उसका ओरिजिनेटेड तो तिब्बत है ना, मानसरोवर, ठीक है। तो इंडिया ने उस एग्रीमेंट को माना ना जो ब्रिटिशर्स ने करके गए थे, जो ब्रिटिशर्स ने चाइना के साथ कर किया था एग्रीमेंट मैकमोहन, वो भी हमने माना, अब चाइना नहीं मान रही है, वो तो ब्रिटिशर्स के साथ था, आपके साथ था ही नहीं, तो हम उसी को रिजॉल्व करने में कंटेंशन। अब समझ में आ गया? एनी डाउट? यस और नो? नो? चलिए नाउ लिखिए चैलेंजेस इन इंडिया और थर्ड चाइना इफेक्ट, चाइना फैक्टर जो हम यहाँ डिसाइड कर डिस्कस कर रहे थे ना, दैट देयर आर थ्री फैक्टर्स बिटवीन द चैलेंजेस, तो थर्ड इज
चाइना फैक्टर, ठीक है। अब चाइना क्या है, नेपाल के साथ ट्रेड में भी इंगेजमेंट है और मिलिट्री इंगेजमेंट भी, एक्सरसाइजेस भी चाइना के साथ नेपाल ने साइन किया, ये भी फैक्टर है नेपाल का चैलेंजेस, कैसे उसको मिटिगेट करना है इफेक्ट ऑफ चाइना इनटू द रशिया, सॉरी नेपाल। क्यों, व्हाई नाउ दिस चाइना इज डूइंग, जस्ट बिकॉज ऑफ बीआरआई। ध्यान रखिए, इंडिया के नेवर में चाइना का जितना भी आपका एक्टिविटीज है, जस्ट बिकॉज ऑफ बीआरआई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को मद्देनजर रखते हुए, सिल्क रूट को मद्देनजर रखते हुए वो सारा एंगेजमेंट कर रही है इंडियन नेवर के साथ, ठीक है। चलिए राइट डाउन चैलेंजेस इन इंडिया नेपाल रिलेशंस। फर्स्ट चैलेंज, अग्निपथ स्कीम और अग्निवीर स्कीम। फर्स्ट पॉइंट, स्कीम इंपैक्ट द रिक्रूटमेंट ऑफ गोरखा सोल्जर्स। फर्स्ट पॉइंट अंडर द अग्निवीर, द स्कीम इंपैक्ट द रिक्रूटमेंट ऑफ गोरखा सोल्जर्स। इन टू इंडियन आर्मीज गोरखा रेजिमेंट। Into Indian Army's Gurkha Regiment, which was started in 1816 by the British Indian Army, which was started means Gurkha Regiment was started in 1816 by the British Indian Army, 1816 by the British Indian Army. 1814 में वो agreement होती है, तो गोली एग्रीमेंट, ठीक, उसके बाद ये नया रेजिमेंट इंडियन आर्मी में शुरू होता है, फुल स्टॉप। दिस वाज कंटिन्यूड अंडर 1947 ट्रीटी बेस्ड ऑन इक्वल ट्रीटमेंट। अंडर 1947 ट्रीटी बेस्ड ऑन इक्वल ट्रीटमेंट। Not 1950 equal treatment, you are understanding? This was means the Gorkha Regiment Indian Army team, which was started by Britishers, was continued under 1950 treaty based on equal treatment. ठीक है? Next point, the Agnipath revision of the terms, need to be discussed. Between the two armies. Defense and finance officials concerned. Two armies, defense and finance officials concerned. Officials, finance, defense and finance officials concerned. Next point.